हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं गुड आर प्लानिंग। फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ मैं, वो है कि मेरा चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल का नया वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। इसीलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मेरे पास जो टीवी है, यही टीवी का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड, टीवी का क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले टीवी को ऑन करके देख लेते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं टीवी का स्विच मैंने ऑन किया और टीवी का जो स्टैंड बाई लाइट है वो जल रहा है, लेकिन टीवी ऑन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं यही प्रॉब्लम है टीवी का। तो फ्रेंड, टीवी का प्रॉब्लम तो देख लिया, लेकिन प्रॉब्लम देखने से तो टीवी ठीक नहीं होगा, तो हमें ठीक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, टीवी चेक करने से पहले एक बार टेस्ट करके देख लेना चाहिए हमें कि टीवी ऑन हो रहा है क्या नहीं है। तो ऐसे टेस्ट करने का एक तरीका है, आप ये टेस्टर इस तरफ से ईस्ट से टच कीजिए और उसके बाद रिमोट से इसको ऑन ऑफ कीजिए, तो आप देख पाएंगे टेस्टर का लाइट जलने लगे तो समझना चाहिए टीवी ऑन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं टेस्टर का लाइट जल रहा है और रिमोट ऑफ करने से ऑन ऑफ हो रहा है, तो इससे समझना चाहिए टीवी ऑन हो रहा है, लेकिन टीवी डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, टेस्टर से ऐसे टेस्ट करने से हमें पता चल गया कि टीवी ऑन है लेकिन डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यही प्रॉब्लम। तो ऐसा प्रॉब्लम होने से हमें कौन सेक्शन चेक करना है, यही मैं आपको दिखाऊंगा कैसे और कहाँ चेक करना है आपको। तो फैन, टीवी ऑन हो रहा है लेकिन टीवी डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम होने से हमें कौन सेक्शन कहाँ चेक करना है। तो आप यहाँ पर चेक करना है हमें सीआरटी बोर्ड पे, सीआरटी बोर्ड का जो एस सप्लाई है यही वोल्टेज हमें चेक करना है। तो फैन, सीआरटी बोर्ड पे हमें जो सप्लाई चेक करना है वो है H+ सप्लाई, जो AC 5 वोल्टेज, वो सप्लाई वोल्टेज ना मिलने से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो पिक्चर ट्यूब को सप्लाई ना मिलने से पिक्चर ट्यूब में स्क्रीन में नहीं लाइट आएगा, तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें इस सप्लाई चेक करना है। तो आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड यही सप्लाई मिलता है हमारा ईएसटी ट्रांसफार्मर से। फ्रेंड, ईएसटी का जो H+ सप्लाई AC वोल्ट वो आता है ईएसटी ट्रांसफार्मर से, और उसका बीच में एक रेजिस्टेंस होता है वो है 10 ओम्स का। आप देख सकते हैं यह है वो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज है वो इस पिन से और इसका बीच यही रेजिस्टेंस ख़राब होने से ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, तो इसके लिए हमें यही रेजिस्टेंस चेक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का सप्लाई वोल्टेज ठीक है, 5 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ का 5 वोल्टेज और इसके बाद नहीं मिल रहा है यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज, आप देख सकते हैं। तो यहाँ का वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, तो ज़्यादातर ऐसा प्रॉब्लम यही रेजिस्टेंस ख़राब होने से होता है, तो हमें सबसे पहले यही रेजिस्टेंस चेक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ईएसटी का पिन से जो सप्लाई आता है वो यहाँ पर ठीक है, लेकिन जो सीआरटी बोर्ड का सप्लाई मिलता है रेजिस्टेंस से वो सप्लाई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल कर चेक करना है सर्किट से। तो फ्रेंड, ये वाला रेजिस्टेंस वो फॉल्टी नज़र आ रहा है, तो यही रेजिस्टेंस सर्किट से निकाल कर चेक करना है हमें।
तो फ्रेंड यहाँ का जो ख़राब हुआ रेजिस्टेंस है वो मैंने निकाल लिया और यहाँ पर नया रेजिस्टेंस डाल दिया। अब हमें एक बार सर्किट का जो सी सप्लाई वोल्टेज है एस प्लस का वो हमें चेक करना है, वो वोल्टेज ठीक हुआ क्या नहीं। तो चलिए इसे ऑन करके देख लेते हैं सप्लाई वोल्टेज ठीक हुआ क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ का सप्लाई वोल्टेज है एस प्लस। तो आप देख सकते हैं यहाँ का सप्लाई वोल्टेज आ चुका है 4.5 वोल्टेज के आसपास, आप देख सकते हैं। और चलिए रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस मैंने चेंज किया इसका सप्लाई वोल्टेज कितना है देख लेते हैं। यहाँ का सप्लाई वोल्टेज चेक करते हैं। चलिए तो फ्रेंड आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का दोनों पास ही वोल्टेज मिल रहा है अभी, तो यहाँ का सप्लाई वोल्टेज ठीक हो गया देख सकते हैं। और यही रेजिस्टेंस की वजह से पिक्चर ट्यूब का एस प्लस एस 5 वोल्टेज ऐसी सप्लाई मिलता है। तो आप समझना चाहिए सप्लाई वोल्टेज ठीक हो गया। तो फ्रेंड यही सप्लाई वोल्टेज सीआरटी बेस पर आता है और यहाँ से डायरेक्ट पिक्चर ट्यूब को मिलता है जो सप्लाई वोल्टेज ज़रूरत है पिक्चर ट्यूब ऑन होने के लिए एसी 5 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ का सप्लाई वोल्टेज ठीक हो गया। तो फ्रेंड यहाँ का सप्लाई वोल्टेज जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गया, तो एक बार चेक करके देख लेना चाहिए। तो चलिए पिक्चर ट्यूब का लाइट आया क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं पिक्चर ट्यूब का लाइट आ चुका है, बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो को देखने के लिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरा चैनल का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।